समुदाय को सशक्त बनाने की अपनी सीएसआर प्रतिबद्धता के साथ कैनन इंडिया ने आज कापस हेड़ा दिल्ली और अंधेरी ईस्ट मुंबई में दो नए स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की है। स्किल इंडिया मिशन के अनुरूप इस प्रोजेक्ट में स्किल डेवलपमेंट द्वारा प्रभाव उत्पन्न कर समाज को अपना योगदान देने की कैनन इंडिया की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम का उद्देश्य शहरी झुग्गियों में रह रहे 18 से 25 साल के युवाओं को जीवन के लिए आवश्यक और रोजगार योग्य कौशल प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें ग्राहक केंद्रित ग्रे कॉलर नौकरियों में प्लेसमेंट दिलाना है ताकि उन्हें स्थिर रोजगार मिल सके। 5 सालों में 2500 युवाओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ यह प्रोग्राम गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल युवाओं पर केंद्रित है जो वर्तमान में शिक्षा रोजगार या प्रशिक्षण एनईटी से जुड़े नहीं हैं। इस प्रोग्राम द्वारा इन अभ्यर्थियों को अत्यधिक मांग वाले सेक्टर्स जैसे बीएफएसआई, रिटेल, आईटी, आरटीएस, ई कॉमर्स और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के लिए आवश्यक कौशल मिल सकेगा और कम से कम 12,500 रुपए के औसत न्यूनतम वेतन के साथ वो रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकेंगे। इस घोषणा के बारे में तोशिया की नोमुरा प्रेसिडेंट एवं सीईओ कैनन इंडिया ने कहा कि भारत की युवा आबादी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। क्या कुछ है और आपने अपने 25,000 एक साल में जॉब देने की बात की है, मतलब रोजगार देने की बात की। आज जैसे मिस्टर नमूरा कह रहे हैं, आज हमने ये स्किल सेंटर लॉन्च किया है जिसपे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, हमारा मेन जो हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स आएँ, आईटी स्किल्स आएँ और कोलैबोरेशन स्किल्स आएँ। जो बच्चे हमने यहाँ पे इस सेंटर में ट्रेन करने का प्लान किया है, दिल्ली और मुंबई हमारे दो सेंटर्स होंगे और जैसे 2600 से ऊपर हमने टारगेट किया है ओवरऑल स्किल, लोगों को स्किल करने के लिए वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्यूसी हमारी फिलॉसफी है जो जापानीज़ फिलॉसफी है जिस पे हम कहते हैं कि हम जितने भी रिलीजन है, कास्ट है, क्रीड है, सबके साथ मिलके सबके लिए काम करते हैं। ये उस फिलॉसफी के अंडर हमारा एक इनिशिएटिव है। मैम, दो ही सेंटर क्यों चुने गए, दिल्ली और मुंबई? इतना बड़ा इंडिया है, उसमें और भी होना चाहिए, जिस तरह जो एक मुहिम आप लोगों के द्वारा चल रही है। नमूर साहब, देयर आस्किंग व्हाई हैव वी चोजन जस्ट टू सेंटर्स, व्हाई नॉट मोर? सर बोलिए। ओके, what the question? This is just the beginning of this project. So as time goes by and if the project goes well, we consider to explore. Okay. Today, Canon India launched a new project of the Skill Development Center, which empowers the youth age from 18 to 25 years to have basic business skills such as collaboration, communication, IT skills, all those are basic skills to be equipped here to get the employable skill set. That is a new initiative which Canon India has launched under the philosophy of the Kyosei, which means working and living together for common good. And we are very much pleased to launch this product, project for our mission of contribute to the Indian society. Thank How many so centers have you launched today? Today, we launched two development centers in Delhi and Mumbai. So how many youth will give you a role? Our plan is to train the more than 2,600 people in next 5 years through these two projects, two centers. इन्वेस्टर न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।